हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विकास। स्वागत करता हूँ हमारा आपके यूट्यूब चैनल एडुकेटिव विकास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को फोटोशॉप 7.0 के अंदर एक कैन ऑरेंज टाइप का कलर ग्रेडिंग आप लोगों को सिखाऊंगा, बैकग्राउंड एडिटिंग सिखाऊंगा और एक पूरा फोटो का अच्छा सा एडिटिंग आप लोगों को सिखाने वाला हूं। और यहां पे वीडियो पे स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को गाइड करने वाला हूं, कौन कौन सी स्टेप्स यहां पे फॉलो करना पड़ेगा उसके बारे में बताने वाला हूं। आप लोगों को क्लियरली समझाऊंगा क्या क्या किस तरह से स्टेप्स पे आप इस तरह से एडिटिंग आसानी से कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर मेरे वीडियोस पहली बार देख रहे हो तो जरूर ऊपर वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे करना है तो जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास मिल जाए। तो सबसे पहले मैं मेरे डेस्कटॉप की स्क्रीन पे ले जाऊंगा और वहां पे ले जाके आपको सब सारे कुछ क्लियरली बताऊंगा कौन कौन सी स्टेप्स यहाँ पे आपको परफेक्टली फॉलो करना पड़ेगा। तो चलिए मैं मेरे डेस्कटॉप की स्क्रीन पे ले चलता हूँ, वहां पे आपको सारे कुछ चीजें क्लियरली बता देता हूँ। तो देख सकते हो मैं मेरे डेस्कटॉप की स्क्रीन पे आ चुका हूँ। सिंपली ये वाला फोटो मैंने लिया हूँ, देख सकते हो, और एक सनफ्लेक जिसका लिंक हर एक वीडियो पे तो आपको मिल ही जाता है, वहाँ पे सनफ्लेक वाला यूज़ करता हूँ एडिटिंग के तरफ। मैं ये वाला भी ले लिया। अभी मेन फोटो के ऊपर सबसे पहले काम है। तो क्या काम होगा, सबसे पहले मेन फोटो के ऊपर आप ये वाला फोटो का राइट क्लिक करके एक डुप्लीकेट लेयर पहले बना लो कुछ इस प्रकार से। पहले मैंने बना लिया डुप्लीकेट लेयर। अभी यहाँ पे जो क्यान जो योलो टाइप का पहले कलर ग्रेडिंग करना पड़ेगा ऑरेंज लेने के लिए। तो पहले बैकग्राउंड का कलर ग्रेडिंग करने के लिए आपको जाना पड़ेगा एडजस्टमेंट आइकन पे और यहाँ से लेना पड़ेगा चैनल मिक्सर। देख सकते हो चैनल मिक्सर मैंने लिया। अभी सेटिंग्स देखो, $50 रेड पे आउटपुट चैनल रेड ही रहेगा, ग्रीन पे 100 किया और यहाँ पे जो ब्लू होगा -100 डाल दिया। अभी डालने के बाद सिंपली कर दूंगा ओके। तो ये बैकग्राउंड से आपका योलो स्टोन एक आ जाएगा, एक कैन टोन आ जाएगा आपका बैकग्राउंड के ऊपर। तो सिंपली चैनल मिक्सर देखो, चैनल मिक्सर का जो कलर है वो व्हाइट है। सिंपली आपको क्या करना होगा, आपको इसको कर देना होगा सिंपली फोरग्राउंड कलर ब्लैक। और सिंपली ब्रश टूल को सिलेक्ट करते हुए आप ब्रश का साइज पहले छोटा से स्टार्ट करना कुछ इस प्रकार से। अब धीरे धीरे करके ओवरऑल फोटो से मेन सब्जेक्ट जिधर है वहाँ से आपको ये वाला कलर को रिमूव कर देना है। देखिए मैं जिस तरह से रिमूव कर रहा हूँ, आपको थोड़ा सा टाइम देके देखे पहले रिमूव कर लेना है। तो चलिए मैं वीडियो को थोड़ी सी फास्ट फॉरवर्ड करके रिमूव कर लेता हूँ। तो देख सकते हो मैं यहाँ से मेन फोटो से जितना सारा जो यहाँ पे कलर एक्स्ट्रा आ गया था वो सारा यहाँ से रिमूव कर चुका हूँ। बैकग्राउंड पे ओनली मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है वो गला कलर। और इतना जब आपका हो जाएगा इसके बाद आपको करना क्या होगा, देखो पहले फोटो मेरा बैकग्राउंड का कलर मैंने चेंज कर लिया। अभी बैकग्राउंड का और भी कुछ कलर चेंज करना है तो मैं यहाँ से लूँगा सिलेक्टिव कलर। सबसे पहले देखिए मैंने सिलेक्टिव कलर लिया, यहाँ से चूज करूँगा सबसे पहले योलो पे। योलो का जो कैन होगा फुल्ली -100 कर दो। और यहाँ पे जो इसका योलो होगा, योलो को आप एक काम करो, एक बार योलो नहीं आपको नॉर्मली मैजेंटा को फुल्ली 100 करना पड़ेगा। अभी देखो फोटो मेरे को कुछ इस तरह मिल रही है, आप सिंपली कर देना ओके। एक्स्ट्रा कुछ यहाँ पे करना का जरूरत नहीं है, यहाँ पे ओनली स्किन के ऊपर जितना सारा एक्स्ट्रा कलर यहाँ पे आ गया है वो रिमूव करना होगा। तो उसके लिए आपको मास्क सिलेक्ट करना होगा। मास्क का कलर देखो व्हाइट है तो सिंपली मैं फोरग्राउंड कलर अगेन रखूंगा ब्लैक। और अभी धीरे धीरे करके ब्रश का साइज थोड़ी सी इंक्रीज करके जहाँ जहाँ पे स्किन के ऊपर इस तरह से कलर आ गया है जो एक्स्ट्रा कलर, तो वो कलर को आपको परफेक्टली रिमूव कर लेना होगा क्योंकि यहाँ से ही आपका एडिटिंग परफेक्टली हो पाएगा। अभी मैं यहाँ पे भी थोड़ी सी वीडियो को थोड़ी सी फास्ट फॉरवर्ड करके ओवरऑल फोटो से जितना सारा रेडिश टाइप का कलर आ गया है वो सारा रिमूव कर लेता हूँ और उसके बाद आपको बाकी चीजें दिखा देता हूँ। तो देख सकते हो मैंने यहाँ से जहां जहां पे स्किन था उधर से इस तरह से परफेक्टली वो कलर रिमूव कर चुका हूँ, आप देख ही सकते हो। जब इस तरह से आपका रिमूवेशन कंप्लीट हो जाएगा अभी आपको करना क्या होगा, अभी यहाँ पे देखो स्किन का कलर उतना परफेक्ट नहीं है तो मैं स्किन के कलर के ऊपर ध्यान दूंगा। सबसे पहले अगेन जाऊंगा एडजस्टमेंट आइकन पे और यहाँ से लूंगा सॉलिड कलर जिसका कलर होगा फुल्ली व्हाइट। सिंपली यहाँ से कर दूंगा ओके। और इसका जो ब्लेंडिंग मोड होगा वो कर लूंगा सॉफ्ट लाइट क्योंकि मेरे को स्किन के ऊपर ग्लो चाहिए। और उसके बाद ये राइट क्लिक करीजिए ये लेयर के ऊपर, कलर फिल वाला लेयर के ऊपर, और ब्लेंडिंग ऑप्शंस पे जाइए और अंडरलाइन लेयर को ऑल्ट दबाते हुए राइट साइड वाला जो ब्लैक है इसको ड्रैग एंड ड्रॉप ड्रैग कीजिए कुछ इतना तक और सिंपली कर दो ओके। अभी ओके करने के बाद इसका मास्क को कंट्रोल आई दबाते हुए इन्वर्ट करो क्योंकि ये ओवरऑल फोटो के ऊपर अप्लाई हो गया था। और उसके बाद फोरग्राउंड कलर आपको व्हाइट रखना होगा क्योंकि मास्क का कलर मेरा यहाँ पे ब्लैक है। और ब्रश टूल को सिलेक्ट करते हुए धीरे धीरे करके ओवरऑल फोटो के ऊपर इस तरह से ब्रश करना ओनली स्किन के ऊपर और तभी यहाँ पे परफेक्टली आपका जो स्किन का कलर है वो आ पाएगा। अभी मैं यहाँ पे भी थोड़ी सी फास्ट फॉरवर्ड करके ओवरऑल स्किन के ऊपर अप्लाई कर देता हूँ और उसके बाद बाकी चीजें आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो देख सकते हो यहाँ से फोटो से थोड़ी सी गोरा तो यहाँ पे कर चुका हूँ इसका स्किन, जो मॉडल है उनका स्किन।
तो इतना सब गोरा हो जाने के बाद अभी आपको यहाँ पे ये कलर्स वगैरह देखो, ब्लैक वगैरह सारे कुछ उतना परफेक्ट लग नहीं रहा है। तो यहाँ से एक ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट वाली लेयर सबसे पहले लूंगा, जिसका ब्राइटनेस होगा 10 एंड कॉन्ट्रास्ट भी होगा 10। पहले 10-10 करके ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट डाला, अगर ज़्यादा ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट हो रही है तो आप 5-5 करके ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट डाल सकते हो मेरे जैसा। अभी आपको लेना पड़ेगा सिलेक्टिव कलर, क्योंकि मेरे इस फोटो के ऊपर थोड़ी सी डस्टी टाइप का कलर बहुत है। मैं सबसे पहले जाऊंगा ब्लैक के ऊपर, और ब्लैक का जो ब्लैक होगा वो कर लूंगा 10 के आसपास इंक्रीज, और यहाँ से जाऊंगा नेचुरल के ऊपर, नेचुरल का जो ब्लैक होगा वो कर लूंगा 10 के आसपास इंक्रीज, और सिंपली कर दूंगा ओके। यहाँ से देखो ये वाला कलर से कितना परफेक्टली कलर जो है डस्टी टाइप का कलर्स वगैरह सारे कुछ रिमूव कर चुका है। तो जब इस तरह से आपका हो जाएगा, आपका भी कुछ इस तरह से आउटपुट मिल जाएगा। अभी इतना हो जाने के बाद अभी बहुत कुछ काम है, वो क्या है, चलिए सबसे पहले ये लाइट फ्लेक वाला को सबसे पहले ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ अपना ये वाला फोटो के ऊपर, और प्लेसमेंट बाद में करूँगा। उससे पहले आपका इसका ब्लेंडिंग मोड को कर लेना होगा स्क्रीन, जिस तरह से मैंने किया देख ही सकते हो। अब स्क्रीन करने के बाद इसको शिफ्ट दबाते हुए छोटा बड़ा कर सकते हो, मैं थोड़ी सी ज़्यादा यहाँ पे मेरा बड़ा हो चुकी है तो मैं थोड़ी सी मीडियम साइज का यहाँ पे रख देता हूँ कुछ इस प्रकार से, और यहाँ पे प्लेसमेंट कुछ इस प्रकार से कर लिया। तो पहले मेरा फोटो कुछ इतना तक तो मेरा एडिट हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे और भी कुछ काम है, वो क्या है, सबसे पहले इसके ऊपर ओवरऑल फोटो के ऊपर एक कलर बैलेंस वाली लेयर लो, जहाँ पे हाइलाइट्स पे जाके इसका जो ब्लू होगा कर लो 20 के आसपास इंक्रीज, और यहाँ से आप मैजेंटा को कर लो -10 के आसपास, और क्यान को कर लो -10 के आसपास, और सिंपली कर दो ओके। और इतना अप्लाई करने के बाद देखो कलर जो है वो परफेक्टली यहाँ से मैच हो चुकी है। अब इतना सारा हो जाने के बाद अभी ओवरऑल फोटो के ऊपर करना क्या होगा, अभी सारे को चलिए ग्रुप बनाता हूँ। सबसे पहले ग्रुप आइकन पे क्लिक किया और सारे को इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप करते हुए पूरा ग्रुप के अंदर डाल दूंगा, और डाल देने के बाद यहाँ पे कुछ सेटिंग्स बताऊंगा। तो सबसे पहले ग्रुप के अंदर डाल दिया, पहले फोटो देखो कुछ इस प्रकार से था, बिफोर वाला फोटो, आफ्टर वाला फोटो देखो कुछ इस प्रकार से मेरे को आउटपुट मिला। अभी लेयर सेट को राइट क्लिक करते हुए एक डुप्लीकेट लेयर सेट पहले ले लेना है, कुछ उस प्रकार से ले लिया, इसको मार्ज कीजिए कंट्रोल ई दबाते हुए, तो मैंने मार्ज कर लिया। अभी मार्ज करने के बाद इसके ऊपर मैंने अप्लाई करने वाला हूँ ऑयल पेंटिंग वाला फिल्टर। सिंपली फोटोशॉप का अगर हायर वर्सन यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा ऑयल फिल्म वाला फिल्टर, अदरवाइज आप फिल्टर पे जाके नॉइज़ पे देखो ग्रे स्टोरेशन वाला एक फिल्टर मिल जाती है, जो आप आसानी से यूज़ कर सकते हो। देखो अब स्किन वगैरह पहले एक बार नज़रअंदाज कर लेना, और यहाँ पे सिंपली कर देना ओके, और थोड़ी सी टाइम के अंदर ये रिमूविंग नॉइज़ वाला प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, और आपका जो फोटो है वो ऑयल पेंट इफेक्ट पे बदल जाएगा। आपको उतना टाइम वेट कर लेना है जितना टाइम यहाँ पे प्रोसेसिंग में लेता है। देखो मेरा कंप्लीट हो गया है। अभी हो जाने के बाद देखो यहाँ पे आँख वगैरह सारे कुछ थोड़ी सी ऑयल पेंटिंग टाइप का हो गया है, लेकिन वो सारा मेरे को चाहिए नहीं, तो इसके लिए आपको इसके ऊपर मास्क लेना पड़ेगा, जो जगह मैं रिटर्न लाना चाहता हूँ। मास्क का कलर देखो व्हाइट है, तो मैंने को फोरग्राउंड कलर ब्लैक रखना होगा, और ब्रश टूल को सिलेक्ट करना होगा। अभी ब्रश का साइज थोड़ी सी छोटा करके देखो, जो जगह मैं यहाँ पे रिटर्न लाना चाहता हूँ वो सारा कुछ जगह इस तरह से ब्रश करके रिटर्न ला रहा हूँ। देखो बहुत सारा चीज़ें हैं जो यहाँ पे ऑयल पेंटिंग इफेक्ट पे बदल गया है, वो सारा चीज़ें मैं इस तरह से जो बैकअप ले रहा हूँ जैसे पहले था, सेम टू सेम कुछ उस प्रकार से ही मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। आप थोड़ी सी टाइम देके देख लेना कहाँ पे आपको रिटर्न चाहिए, तो कुछ इस प्रकार से आपको आउटपुट मिल गया होगा। तो इतना हो जाने के बाद अभी ओवरऑल फोटो के ऊपर आपको वेगनेट मोड चाहिए होगा, तो एडजस्ट आइकन पे जाके ग्रेडियंट वाला कलर लो, जिसका लीनियर स्टाइल से कर लो रेडियल, और यहाँ से रिवर्स पे क्लिक कर दो। यहाँ पे जो एंगल होगा वो कर लो 60 डिग्री, और 60 डिग्री होने के बाद ये जो कलर के ऊपर क्लिक करो, और नीचे वाला जो दोनों कलर है ना वो कुछ इस प्रकार से ब्लैक कर देना है। देखो पहले ब्लैक कर दिया मैंने, और सिंपली यहाँ से ओके ओके कर दो। ये इतना तक अप्लाई हो गया है, लेकिन आपको घबराना नहीं है, सिंपली इसका जो ओपेसिटी होगा ना वो कर लो 50 के आसपास, नियर अबाउट 50 के आसपास, और होने के बाद इसका जो मास्क है मास्क पे क्लिक करो, मतलब मास्क सिलेक्टेड हो जाएगा। अभी मास्क का कलर व्हाइट है तो मैं फोरग्राउंड कलर ब्लैक रखा, और ब्रश टूल को अगेन सिलेक्ट किया। यहाँ पे ब्रश का साइज थोड़ी सी बड़ा होना चाहिए। अभी धीरे धीरे करके जिस तरह से देखो मैं कुछ इस प्रकार से ब्रश जिस जहाँ जहाँ पे कर रहा हूँ, आप भी कुछ इस प्रकार से ब्रश कर लेना पहले। देखो ब्रश कर लेने के बाद अभी ये वाला लेयर देखो चारों साइड पे ओनली एक छोटी सी बोकिया इफेक्ट यहाँ पे ऐड हो चुकी है, आप थोड़ी सी इंक्रीज भी करके देख सकते हो। अभी इतना होने के बाद देखो इन दोनों लेयर्स को भी मैं यहाँ पे ग्रुप के अंदर सबसे ऊपर डाल देता हूँ। देखो सबसे ऊपर डाल दिया। अभी ओवरऑल फोटो देखो, पहली फोटो मेरे को कुछ इस तरह का लग रहा था, और एडिट करने के बाद कुछ इतना तक मिला है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हो। जैसे एडजस्टमेंट आइकन पे जाके सिलेक्टिव कलर पे जाओ, और यहाँ से ब्लैक लो, ब्लैक का ब्लैक को नियर अबाउट 15-20 के आसपास इंक्रीज कर लो, और नेचुरल पे जाके इसका जो ब्लैक होगा नियर अबाउट 10 के आसपास इंक्रीज करके देखो, अगर ज़्यादा हो रही है तो +5 के आसपास कर लो, और सिंपली ओके कर दो। और ये वाला लेयर से देखो कितना परफेक्ट क्वालिटी का फोटो यहाँ पे आ चुकी है।
और यहाँ पे देखो ओवरऑल फोटो का चेंजेस किस तरह का आया है। तो पहले बिफोर वाला फोटो देखो कुछ इस प्रकार से, और एडिट करने के बाद कुछ इस प्रकार से आपको दोनों फोटो यहाँ पे दिख रहा होगा। कितना चेंजेस आया है वो सारे कुछ तो आप लोगों को पता चल गया होगा। और आज का टॉपिक इसी के ऊपर था। आशा करता हूँ ये वाला जो एडिटिंग है आप लोगों को पसंद आया होगा, ये वाला ट्यूटोरियल आप लोगों को हेल्पफुल हुआ होगा। अगर हेल्पफुल होती है तो जरूर वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए मिलते हैं नया कोई एडिटिंग के साथ, नया कोई ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।